हेलो पीपल, इट्स अनदर गुड मॉर्निंग इन ले और आज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नुब्रा वैली। 9 बज रहा है सुबह का राउंड और बारिश होना शुरू हो गई है। तो फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स रेनिंग इन लास्ट 5 डेज। और 5 दिन से एक चीज़ दिमाग में आ रही है, तो बेसिकली आज मैं जब सुबह उठा, क्योंकि हमें 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस ट्रिप में, 5 या 6 दिन और बचे हैं अभी, तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं किसी जगह पर कुछ काम करने के लिए निकला हूँ। और मेरा काम है घूमना, सुबह सुबह उठो और घूमने निकलो। जैसे आज सो रहे थे तो भाई ने उठाया, भाई जल्दी पैकिंग कर, जल्दी निकलना है। सो इट वॉज़ लाइक आई हैव अ टास्क, बट दैट टास्क इज़ ट्रेवलिंग। सो ये सोच सोच के मतलब काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ यार ठीक है, 10-12 दिन की ट्रिप है, बस घूमना है उसमें और कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू इन्जॉय। तो ट्रेवलर हमारा तैयार है, सबका सामान वगैरह लोड हो रहा है, उसके बाद मिलते हैं रास्ते में। अभी बस स्टार्ट ही की थी जर्नी, और क्योंकि हमारे साथ स्वप्निल भाई बाइक से हैं और बाकी सारे लोग ट्रेवलर्स हैं, तो स्वप्निल और उनकी वाइफ का वेट हो रहा है अब, क्योंकि उनके पास कोई फ़ोन वगैरह कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं है, तो दूर दूर तक देख भी नहीं रहे हैं, रास्ते में पीछे रह गए हैं, क्या हुआ है, लेट क्यों हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। सो इट्स जस्ट अ हॉल्ट अनटिल वी आर नॉट गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देम कि वो कहाँ पर है, उनका स्टेटस क्या है। दिस इज नन अदर देन खारदुंगला पास, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर अ फोटो ओवर हियर। तो भाई सिंगल में भी दो लोग इधर साइड में आ रहे हैं, दो लोग इधर साइड में आ रहे हैं, बट सम हाउ वी मैनेज टू गेट वन। स्नोफॉल, अभी हम लोग बैग्स को थोड़ा सा अरेंज करने लगे हैं। अभी एक हॉल्ट लिया और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ, तो ये मुझे हल्की सी नदी दिख रही थी बहती हुई, तो मैं इधर आ गया। बारिश अभी भी हो रही है।
गाइस वाइल गोइंग टूवर्ड्स नूबरा वैली दिस इज डिस्किट मोनेस्ट्री नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली एंड वी आर गोइंग टू विजिट इट नाउ पीपल सो 5 बज चुका है अराउंड और दिस इज़ अवर कैंप साइट फॉर टुडे इन नूबरा वैली और आज की जर्नी काफ़ी छोटी सी थी तो हल्के हल्के धीरे धीरे करके पहुंच गए हैं सामान अभी रखा था कैंप में बस फिर जिनके यहाँ रुके हुए हैं ना अंकल ने हमको बोला कि अगर तुम्हें कहीं घूमने घूमने जाना है तो इस रोड पे 30-35 मिनट वॉक करो और एक अच्छा सा व्यू पॉइंट आएगा तो हमने कहा ठीक है यार कैंप में बैठे बैठे क्या करेंगे निकल लिए अभी ऐसा कुछ थकान वकान कुछ हो नहीं रहा है तो निकल गए थोड़ा एडवेंचर ढूंढ लें ठीक है हो सकता है हो सकता है एक चीज़ हो सकता है क्या स्टार दिखेंगे अरे मैं वही बोल रहा था बाहर आके मैं ट्राइपॉड लगा के फुल लाइट फोटोग्राफी कर एग्जैक्ट 25 मिनट्स एंड वी आर क्लोज टू दिस ब्रिज जो वो अंकल जी ने बताया था थैंक यू अंकल जी तो अच्छी जगह लग रही है यार एक पंगा हो गया नदी क्रॉस कर रहा था मेरा जूता जो है वो भीग गया है तो अब पता नहीं क्या होगा भाई पहली बात तो अब निकलना तो कल ही है आधा घंटा लेकिन अभी चलना है गीला जूता पहन के कैसे चलूँगा आई एम नॉट श्योर बट ठीक है कैंप साइट से हम तीनों ही आए हैं यहाँ पर और अब लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि आ गए अदरवाइज वी हैव मिस्ड दिस हाउएवर जूते का मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है बट फिलहाल के लिए आई एम लिविंग दिस मोमेंट तो देखा जाएगा जो होगा पहले से ही माइनस में टेम्परेचर चल रहा होगा ऊपर से अब गीले जूतों में चल रहा हूँ जो होगा राम भरोसे आ गए कैंप पे पहले पहले जूता भीगा उसके बाद हम लोग रास्ता भटक गए तो 2 मिनट का रास्ता बचा था उसके बाद हम 3 रस्तों पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के गए फाइनली पहुंच गए किसी तरह काफी हो गई है अब आराम करते हैं
जाओ भी आने तो दो कम से कम। ओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो भाई रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी बहुत देर बातें हुई, काफ़ी लोग बैठे हुए थे हमारे कैंप में ही, और क्योंकि ट्रिप बहुत बड़ी है तो डिस्कशंस के लिए बहुत सारे टॉपिक रहते हैं सबके पास, तो बहुत सारी बातें हुई इधर उधर की जो भी है, मतलब अपनी अपनी स्टोरीज शेयर हुई। उसके बाद अब सब वापस अपने अपने कैंप में जा चुके हैं और रोहन और पैट्रिक बाहर स्टार्स का कुछ फोटोज वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। और अब कल हम लोग पैंगोंग के लिए निकलेंगे, पैंगोंग लेक के लिए। हाउएवर यहाँ पर अब जो मौसम है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से बदल रहा है, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, लाइट वगैरह सब ये चली गई थी कैंप की, तो पता नहीं मतलब भाई कल का मौसम कैसा होने वाला है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और बाकी हमारे साथ जो स्वप्निल भाई बाइक से थोड़ी देर के लिए मतलब लापता टाइप हो गए थे, तो वो फाइनली आ चुके हैं, वो भी 1 घंटा लेट हो गए थे, फ्यूल का प्रॉब्लम था कुछ उनकी बाइक का इसीलिए वो रह गए थे। तो अब सब साथ में वापस आ चुके हैं, कल वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स पैंगोंग लेक, और फिलहाल के लिए गुड नाइट।